Now next one, check the given symbol is valid alphanumeric digit or not, or alphanumeric symbol or not. Alphanumeric ka generally meaning kya? Alphanumeric means alpha plus numeric or numeric digits. Alphanumeric ki case mein two types ke symbols consider honge. All alphabet symbols alphabets ke respect mein consider karenge jab. अल्फाबेट्स के रिस्पेक्ट में पॉसिबल केस क्या होंगे? अपर केस अल्फाबेट, लोअर केस अल्फाबेट एंड फाइनली अपर केस और लोअर केस और डिजिट्स इस अगर आपको रन टाइम पर अल्फान्यूमेरिक टेस्ट करना, अल्फान्यूमेरिक के केस में पॉसिबल केस क्या होंगे? थ्री पॉसिबल केस, आइदर इन अपर केस कैरेक्टर और लोअर केस कैरेक्टर और डिजिट्स. इस एट ए टाइम गिवन कैरेक्टर या तो अपर केस होगा और लोअर केस और डिजिट्स. अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मीन्स अगर गिवन कैरेक्टर ना ही अपर केस कैरेक्टर है, ना ही लोअर केस कैरेक्टर और ना ही डिजिट्स है, देन इस केस में कंसीडर करेंगे नॉट अ अल्फान्यूमेरिक, मीन्स मे बी सम स्पेशल सिंबल्स लाइक दैट. इस केस में टोटल कंडीशन कितने रिक्वायर्ड होंगे? कंडीशन 1 फॉर चेकिंग अपर केस एंड कंडीशन 2 फॉर चेकिंग लोअर केस, कंडीशन 3 फॉर चेकिंग डिजिट्स. तीनों कंडीशंस को से तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होना पॉसिबल नहीं, एट ए टाइम एक ही कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, इसलिए कंबाइंड करेंगे यूजिंग और ऑपरेटर्स. अपर केस के केस में ऑलरेडी कंडीशन एक्सप्लेन कर चुका हूँ. अपर केस के केस में मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या हुआ? कैपिटल ए एंड कैपिटल जेड. लोअर केस के केस में मिनिमम और मैक्सिमम कंडीशन क्या? स्मॉल ए स्मॉल जेड. डिजिट्स के केसेस में भी बात करें तो मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या है इस केस में? 0 और 9. आस्की वैल्यू ऑफ 0 कैरेक्टर 0, आस्की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर 9, बिकॉज कैरेक्टर्स आर एनक्लोज्ड इनसाइड सिंगल कोट्स लाइक दैट. तो ओवरऑल इस केस में टोटल कंडीशंस कितने? 3 कंडीशंस. इस प्रीवियस केसेस में अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक वाले कंडीशंस कंबाइंड होंगे यूजिंग और ऑपरेटर्स. फाइनली प्रोग्राम लोअर के अपर केस के केस में कंडीशन क्या था? इफ आस्की वैल्यू ऑफ गिवन कैरेक्टर सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एंड आस्की वैल्यू ऑफ गिवन कैरेक्टर सी एच इज लेस देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ कैपिटल जेड. दिस इज द अपर केस कंडीशंस. व्हाट इज द लोअर केस कंडीशंस? टोटल कंडीशंस कितने रिक्वायर्ड है? 3 कंडीशंस, अपर केस, लोअर केस एंड डिजिट्स. अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इस केस में कैरेक्टर कंसीडर किया जाए अल्फान्यूमेरिक. लोअर केस के केस में कंडीशंस क्या हुआ? इफ आस्की वैल्यू ऑफ सी एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल ए एंड आस्की वैल्यू ऑफ सी एच लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल जेड. डिजिट्स के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी कंडीशन डिस्कस किया था, अगर कैरेक्टर का आस्की वैल्यू 0 से बड़ा है, इफ आस्की वैल्यू ऑफ सी एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड आस्की वैल्यू ऑफ सी एच लेस देन इक्वल्स टू 9, देन इसको कंसिडर करेंगे एज ए डिजिट्स. देन तीनों कंडीशंस को कंबाइंड कैसे कराएंगे? यूजिंग और ऑपरेटर लाइक दैट. इट इज अ कंप्लीट इफ कंडीशन फॉर चेकिंग गिवन कैरेक्टर वैलिड अल्फान्यूमेरिक डिजिट्स और अल्फान्यूमेरिक सिंबल और नॉट. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगेन फिर से टोटल ओवरऑल एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड हैं? ओनली सिंगल वेरिएबल, वी आर यूजिंग ओनली वन वेरिएबल सी एच. मीन्स सभी प्लेसेस पर वेरिएबल कौन सा यूज किया? एवरी टाइम सी एच. इसलिए टोटल वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड? ओनली वन वेरिएबल रिमेनिंग केसेस में यूज किया गया है. यार ए इज अ कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, जेड इज अ कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, जीरो इज कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, 9 इज कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, कैर सी एच. देन रीडिंग इनपुट्स यूजिंग स्कैन एफ फंक्शन, इससे जस्ट पहले मैसेज डिस्प्ले कराएंगे एंटर कैरेक्टर, एंटर एनी और एनी टाइप ऑफ कैरेक्टर्स. स्कैन एफ रीडिंग इनपुट्स यूजिंग स्कैन एफ फंक्शंस. कैरेक्टर्स के लिए डेटा रीड करने के लिए यूज करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट सी एड्रेस ऑफ सी एच. नेक्स्ट वन अप्लाइंग इफ कंडीशंस. इफ कंडीशंस के केस में टोटल कंडीशंस कितने होंगे?
three conditions, condition one or condition two or condition three, like that. First condition किसके लिए? Lower case. First condition applied for lower case. Sorry. पहले अपर केस के लिए अप्लाई कर रहे हैं. इस कंडीशंस का ऑर्डर और सीक्वेंस इंटरचेंज करना पॉसिबल है, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा. अपर केस के रिस्पेक्ट में कंडीशन क्या था, सेम कंडीशन अप्लाई करें. सी एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ कैपिटल ए एंड सी एच लेस देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ कैपिटल जेड. देन दिस द फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन को कंबाइंड किससे करा हुए? Then next condition merge किससे हुआ? Using OR. Therefore we are applying OR operator, logical OR. Next one second condition for lower case or maybe for digits. Second condition apply करें if CH greater than equals to small a and CH less than equals to small z. ASCII value of small z. Next again OR condition. Third condition apply करें for digits. Digits के केस में condition क्या था? अगर सी एच का आस्की वैल्यू जीरो से बड़ा, इफ सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू आस्की वैल्यू ऑफ जीरो एंड सी एच, नेक्स्ट लाइन में प्रोवाइड करें इसको, एंड सी एच लेस देन इक्वल टू आस्की वैल्यू ऑफ नाइन. अगर एक कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने के केस में डिस्प्ले क्या कराएंगे? बॉडी ऑफ इफ. इफ कंडीशन में मैसेज प्रोवाइड करेंगे समथिंग प्रिंट एफ वैलिड अल्फा न्यूमेरिक valid. Otherwise, अगर condition false है तो हम corresponding message display करा लेंगे printf invalid alphanumeric digit or alphanumeric characters, like that.